दोस्तों आज एकदम से यहाँ पे घुमा रहे हैं। देखो कितनी बारिश हो रही है, एकदम झमाझम बारिश हो रही है। बस ये बारिश होता रहे 2-3 घंटे। और मेरा बाबू जूते उतने पहन के कह रहा घूमने ले चल, और वहाँ जाके सीढ़ियों पे बैठा। बाबू कान मेरा फिर से लग रहा खराब हो जाएगा क्या। आ जा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और बाबू की ऐसी हालत इसलिए है कि बाबू खाना पीना छोड़ दिया, इसको मैंने अभी इतना पकड़ के ज़बरदस्ती दूध पिलाया है। और आज मैं और मेरा बाबू नहाए नहीं क्योंकि पानी आया देर से। मैं बालों में तेल लगा रखी, पानी देर से आया ना, तेल लगा लिया कि देर से धोऊंगी बाल। और आया पानी, अब जा रही हूँ घर का काम करने। दोपहर का बर्तन, झाड़ू पोछा ये सब बचा हुआ है। और अभी बारिश हो रही है इतना मस्त ना, मैं क्या बताऊँ। बस हो 2-3 घंटे जमीन की गर्माहट निकलेगी और गर्मी की। और ये बाबू बाहर जाने के लिए ऐसे कर रहा, देख रहा कितना मोटा पानी गिर रहा है ऊपर से, देख रहा छत से। और एकदम झमाझम बारिश हो रही है एकदम तेज। और अब मैं जा रही हूँ बर्तन शर्तन करने। बाबू मेरा टीवी देखेगा बैठ के या फोन, है ना बिट्टू? और ये हमारा किचन, अभी ये देखिए इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, अभी जा रही हूँ धोऊं। इनको बोलती हूँ मैं, अरे जाओ भाई करता निकाला तुम लोग, बाबू यार बाबू यार बाबू यार बाबू यार बाबू बाबू अरे यार मैं बिना मुझे बात ही नहीं करता पहले बात। तो क्या बोलती है पब्लिक? मैं बाबा टिल्लू, बाबा टिल्लू मेरा नाम, मेरी जगह करेंगे कॉल करें कॉल कॉल चिरंत गुनगुन का टारगेट करते हैं। टारगेट ना करें, देख नहीं लिया क्या? देख लिया सपोर्ट में क्या क्या जीतो यार कैसे दो भाई, मैं बता रहा हूँ मैं उधर जाने के लिए पापा मना किया है। तुम विशाल के घर तक कैसे पहुंचा? कहाँ कब कब विशाल के ट्यूशन के बाद पहुंचा? कैसे पहुंचा था? लाइसेंस वाला जाता है ना, कौन जाता है हेलमेट लगा पहुंचा था? ठीक है बदमाशी नहीं मिलते, अभी कॉल बोल दूंगा वीडियो में सारे कहां भेजते हो मुझे, दोस्तों अब मैं नहा धोवा के हो चुकी हूँ एकदम रेडी, सारा मेरा काम हो गया है। बाबू को भी मैंने नहला के और एकदम सुला दिया है, आराम से सो गया है, उधर सुला दिया है। अब थोड़ी सी एसी चलाया हुआ है क्योंकि बाहर थोड़ी सी ही बारिश हुई और फिर धूप निकल आया और एकदम हवा तो बंद ही कर दिया, तो इस वजह से थोड़ी सी एसी चला दूंगी ना तो अच्छा फ्रेश हो जाएगा।
और आराम से सोएगा, एक घंटा सोएगा फिर उठा दूंगी, क्योंकि आजकल रात को ना बड़ा तंग करने लग गया, शाम को सो जाता है, रात को बहुत लेट सोता है, सब सोए हुए रहते हैं, फिर खेलना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, ये वो सबको डिस्टर्ब करता है। मैं तो होती ही हूँ, मेरा तो बनता है डिस्टर्ब होना, लेकिन बाकी लोग भी होते हैं, उसके पापा हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। फिलहाल मैं जा रही हूँ, मैंने कपड़े भी धो लिए, देखिए एक बाल्टी मशीन में ही धोए हैं, नहाने के बाद डाल दिया तो ये धुल भी गए, तो मैं जा रही हूँ इसको बाहर डाल देती हूँ। बच्चे चले गए मेरे ट्यूशन, शाम हो गई है तो बच्चे चले गए दोनों, और अब मैं जा रही हूँ कपड़े डालने बाहर। देखिए कितना तेज़ धूप आया है, और हवा भी नहीं चल रहा, देख रहे वो रहे सूरज महाराज ऐसे चमक रहे हैं, छत पे चमक रहे होंगे पूरा ऐसे। तो मैं चलती हूँ, पहले ये कपड़े डाल लेती हूँ, यही डालूंगी, नीचे ही डालूंगी, आजकल गर्मियों में ऊपर नहीं जाती कपड़े सुखाने, सब यही डालती हूँ। कपड़े डाल दिया दोस्तों, अब चलिए मैं थोड़ा सा टीवी देखूंगी। टीवी देखते देखते आज बनाऊंगी भरवा करेला, वो बाबू सो रहा है ना, अभी काम करने देगा। थोड़ा सा फैन चला देती हूँ इधर, ये रहा मेरे टीवी का बटन, और दिखाती हूँ आपको मेरा इशू ना, सिर्फ चार करेले लेके आया है, चार ही है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इसको भरवा बना दूँ, क्योंकि चार इसीलिए लेके आया ताकि सिर्फ मेरा और इसके पापा का हो जाए, उन लोगों को ना, चार इसलिए लेके आया दोस्तों कि सिर्फ मेरा और इसके पापा का हो जाए और उन लोगों को खाना ना पड़े करेला, इसलिए जब वो सब्जी लेके आता ना बोलते करेले लेके आ, तो ऐसे ही लेके आएगा चार छः, ताकि सिर्फ मम्मी पापा के इतना हो जाए। तो बहुत दिनों से भरवा करेला नहीं बनाया, तो मैं सोच रही आज मैं वही बना लूँ, या ये किचन में चाकू लेने, चाकू कहाँ है, चाकू कहाँ है भाई, ये सब भी ना बच्चे हाथ लगाते हैं, तो कुछ ना कुछ अब वो अभी सो रहा है, तब तक ये बना लेती हूँ। ये तो ऐसे एक्स्ट्रा में हो गया हमारे लिए, बाकी प्रॉपर दाल चावल या जो भी बनेगा सब्जी वो तो कुछ और ही बनेगा, पता नहीं अभी, तो पता नहीं अभी, क्योंकि रात नहीं हुई है ना, अभी तो 6 ही बज रहे, तो प्यास लग रही है, और ये देखो पसीना, अभी बारिश हुई है, अभी एसी भी चल रहा मस्त, मेरा बाबू सो रहा है, थोड़ा सा ओढ़ा देती, इसको ठंड लग रहा होगा, बहुत देर से है ना, मैं कुछ ओढ़ा देती, थोड़ा सा गेट खोल देती हूँ ना ये वाला, तो इधर भी कूलिंग आती है थोड़े से, तो इधर की कूलिंग कम हो जाती है, तो इधर थोड़ा सा आएगा, मैं भी अच्छे से बैठूँगी आराम से। ये रहा रिमोट नहीं मिल रहा, पता नहीं रिमोट बच्चे कहाँ करती है, तबाही तबाही कर देते हैं घर में। ये देखिए दोस्तों, ये करेला को मैंने मसाला लगा के रख दिया है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, इसको मैं ऐसे ढक दूँगी, अब थोड़ी देर रेस्ट पे रखूँगी,
अब फिर खाना बनाने का टाइम होगा तो सबसे पहले मैं इसी को तेल से निकालूंगी अच्छे से। और अब मैंने टीवी भी चला लिया है और मेरा बाबू अभी तक सो ही रहा है। बज रहे हैं 6:30 और मैं हूँ इधर दिख रही हूँ मैं। आज मैंने अपने फ़ोन को पकड़ना सीखा है ऐसे और ऐसे। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी को नहीं आता, थोड़ा सा हाथ नहीं मुड़ता। मेरा हाथ इतना मोटा हो गया है, सांड हो गया है, अकड़ आ गई। तो इसको मैंने ऐसे सीधा कर रही हूँ, देख रहे दिखाई दे रही हूँ मैं ऐसे व्लॉगिंग कर रही हूँ। हेलो गाइस, अकेले अकेले घर में पागलपंती आ जाती है। ये रहा दोस्तों मेरा भरवा करेला, अब मैंने पकाना भी शुरू कर दिया। ये देखिए 4 ही करेले, ऐसा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा है, तो हम दो जनों के लिए एकदम बहुत अच्छा है। और इधर मैंने बनाए हैं छीले, ये छीले सूजी सुबह नाश्ता बनाई थी ना तो बचा हुआ था, ये वही है। ये छीले मैं अभी बाबू को खिलाऊंगी सो के उठेगा तब। दोस्तों मेरा करेला बन गया है, ये थोड़ा मसाला जल गया है, जल नहीं गया, करारा हो गया, लेकिन मेरा करेला इतना मस्त बना है, भरवा करेला आप देख सकते हो। और अब गैस को कर देती हूँ बंद, और ये अभी बहुत गर्म है, इसको कढ़ाई में ही छोड़ूंगी क्योंकि तेल गर्म है ना, और अच्छे से पक जाएगा। इसको ढक के रखूँगी और अब हो गई है शाम। देखिए बाहर दिख रहा है, ये देखिए लाइट जल गई है, इसका मतलब शाम हो गई है। और अभी इधर मेरा बाबू मस्त सो रहा है अभी तक। तो दोस्तों आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर और कमेंट करें। बाय बाय दोस्तों। और जैसे ही मैंने बाय बोला मेरा मिट्ठू भी उठ गया है ना, मिट्ठू मिट्ठू उठ गया। अब मैं इसी की सेवा पानी करूँगी।